जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक पचम्बा के मारवाड़ी परिसर में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंड अध्यक्षों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के डीलर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन की मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 35 सदस्यों की एक नई कमेटी का भी गठन किया गया, जिसका सर्वसम्मति से राजा बंसल को अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान अध्यक्ष राजा बंसल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 10 महीनों की बकाया राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जा चुका है, लेकिन एसोसिएशन की कई मांगों पर सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अनुकंपा की उम्र सीमा 60 वर्ष से अधिक किया जाए तथा कमीशन की राशि में 1 रुपये तक की वृद्धि की जाए। प्राइस डीलर एसोसिएशन गिरिडीह जिला की एक आवश्यक बैठक रखी है। बैठक में प्रमुख रूप से हमारा 3 एजेंडा है। गिरिडीह जिले में झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें हमारे गिरिडीह के स्थानीय विधायक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी का काफ़ी अहम योगदान है, कोरोना काल का 10 माह का बकाया राशि जो विगत दिनों भुगतान हुई है उसकी समीक्षा करना कि कितने डीलर को बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा और उसका सरकार के द्वारा मांग करना और उस बकाया राशि जो डीलर की है उसको भुगतान करवाना। 99% से अधिक डीलरों का बकाया राशि का भुगतान हो चुका है। आज हमारे सभी 14 प्रखंड के प्रमुख लोगों और अध्यक्ष की मौजूदगी में एक मजबूत जिला कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से एक 35 सदस्यीय जिला कमेटी का निर्माण किया और हमारी भविष्य में जो मांगे हैं, हमारी सरकार से वार्ता हुई थी कि कमीशन की राशि में 1 रुपया की वृद्धि की जाएगी, लेकिन मात्र 50 पैसा की वृद्धि सरकार के द्वारा की गई है और हमें हमारे गिरिडीह विधायक ने आश्वस्त किया है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व आपके 50 पैसे की बकाया राशि के भी वृद्धि हम हर हाल में करवाएंगे।